हम परिवार को अपना मानते हैं, कारोबार को अपना मानते हैं, रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, गुरु को अपना नहीं मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहने से नहीं हो जाता, क्योंकि हम जिसे अपना मानते हैं उसके लिए रात दिन एक कर देते हैं, उसके लिए फिर रात और दिन नहीं देखते हैं, उसके लिए जितना चाहे खर्चा कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे अपना मानते हैं। रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, उन्हें खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। जो नहीं खाते वो शादी में मांस खिलाते भी हैं, क्योंकि उन्हें अपना मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शराब पिलाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। शादी हो, घर में कोई फंक्शन हो, तो कहते हैं बढ़िया डीजे चाहिए, महंगे से महंगा, पैसों की परवाह नहीं, थाली महंगे से महंगी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, परवाह नहीं। और वही घर में पाठ खाना हो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डब्बा छोटा से छोटा हो, प्रसाद कितने का आएगा, रागियों को कितना देना पड़ेगा, ये काम तो इतना ज्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डीजे वालों को 1 लाख में मांगे तो कम लगता है, और बढ़िया चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने प्रेफरेंस किसे दी है, जिसे अपना कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन लोगों को खुश करने के लिए हम सब करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। कहने से गुरु अपना नहीं हो जाता, मानने से होता है। जिस चीज़ को हम प्रेफरेंस देते हैं, उसे देते हैं जिसे अपना समझते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जायदाद बच्चों के नाम पर करके जाते हैं, गुरु के नाम पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बच्चे, प्रेफरेंस हमारी क्या है। परिवार के साथ मॉल में जाओ तो बड़े से बड़ा नोट छोटा लगता है, और गुरु के गोलक में डालते वक्त छोटे से छोटा नोट चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेफरेंस क्या है हमारी, अपना। जिसे हम अपना मानते हैं उसके लिए रात दिन नहीं देखते, तकलीफ में भागते हैं, अपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के पास आते वक्त, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप संगत पे तो गुरु ने तर्स किया है, आधी रात को उठकर आते हो रोज, अपना माना है तो आते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो लोग अपना माना है उन्होंने, जो रोज आते हैं, जो आज आए कि भाई साहब आए हैं, उन्होंने गुरु को अपना नहीं माना है, उन्होंने भाई साहब को अपना माना है। ये बात क्लियर कर दूं मैं एकदम। जो रोज आते हैं कीर्तन सुनने, गुरु की वाणी से जुड़ती है, गुरु को अपना मान के आते हैं, उन्होंने गुरु को अपना माना है। जो आज आए हैं, जो तब आते हैं जब मैं आता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपना माना है, गुरु को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु से पाना है कि भाई साहब से पाना है, भाई साहब कुछ नहीं दे सकते, वो तो खुद बीमार रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देगा ये गुरु, झोलियाँ भरेगा ये गुरु, दुख दूर कर सकता है गुरु, इसे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे प्रेफरेंस इसको दे दो, और अगर अपना मान लिया तो ये शब्द उनके लिए। फिर नानक दास मुख ते जो बोले, जो गुरु का दास बोलेगा वो 3 काल सत हो जाएगा, जो बोलेगा शक्तियां वर्तती है। माने की पंक्तियां हैं, चतुर दिशा कीनो बल अपना, चारों दिशा में उसकी ही शक्तियां हैं। सिर ऊपर कर धारे, उसने अपना हाथ सर पे रख दिया है, किस पे, जिसने गुरु को अपना माना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर वो जो कहेगा वो पूरा होगा, उसे मांगना भी नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जो गुरु का हो गया, गुरु उसका हो गया, सारा खजाना उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।